हेलो 9% मेडिकल्स के स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं वापस से हमारे सेमीफाइनल्स के डे टू के थर्ड मैच की तरफ, जो कि हमारे सैनक में स्टार्ट हो चुका है विद टोटल 17 टीम्स, टोटल 68 प्लेयर्स वाला। तो फटाफट से बढ़ते हैं, सारे सारे प्लेयर्स को ड्रॉप लोकेशन चेकआउट कर लेते हैं एंड एज वेल सभी टीम्स को बेस्ट ऑफ लक कहते हुए। सो मैं आपका टीम से मैं अभी आज के हमारे थर्ड मैच के कास्टिंग को कंटिन्यू करते हैं और फटाफट से चेकआउट करते हैं स्क्वाड्स कहाँ कहाँ रोटेशन दे रही है टीम प्लेयर्स एज यूजर हमेशा फर्स्ट ड्रॉप करते हुए एंड विद द टीम एजेंट की स्क्वाड। यहाँ पर मेरे को एक तरह से ड्रॉप क्लैश में को देखने मिल जाएगा और एक तरह से 4v4 फाइट अपने आप से डिसेंट से लूट करके शायद फटाफट से फाइट में एंगेज करें और टीम प्लेयर्स एंड टीम एजेंट की जाएँ। यहाँ पर जो फाइट होगा वो चेक इन करते हैं। यहाँ पर निंजा वगैरह फिर हल्के शॉट गन वगैरह काफ़ी ज़्यादा डबल शॉट गन का कॉम्बिनेशन आप और क्या करते हैं और क्या कैसे एस्टल के एंड एज वेल एज फिर डी वी एस का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर दो प्लेयर का डबल शॉट गन कॉम्बिनेशन एंड गुरु के पास एक तरह से एक यहाँ पर M24 वेक्टर एंड M16 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मैं टीम BM के स्क्वाड में बढ़ते, टीम BM के स्क्वाड ऑलरेडी फाइट में एंगेज करते फटाफट से बढ़ते हैं। बूट कैंप में ऑलरेडी यहाँ पे तीन बंदे नहीं, यहाँ पे शायद काफ़ी सारे प्लेयर्स हमें नॉक होते देखने मिलते हैं। यहाँ पे बोई में भी यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कर चुके हैं अहमद को, BM के रोशन को भी डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश करते हुए सिर्फ और सिर्फ दो बंदे बचेंगे। लोन वोल्फ एंड गोकू प्रो विद DBS के हम जोर से होल्ड करते देखने मिलते हैं। लेकिन टीम मॉस्को की टीम 25 जो कि ओल्ड मॉक की स्क्वाड में होल्ड कर रही है, लेकिन जो जो टीम है 17 की स्क्वाड वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव देखने मिल जा रही है। उनके प्लेयर को हमें ऑलरेडी नॉक एंड फिनिश कर चुके हैं। बोई में यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स की यूज करके देखने में लोन को जो स्पॉट कर दीजिए, यहाँ पे लोन को नॉक एंड फिनिश कर दीजिएगा एज वेल एज पूरी पूरी स्क्वाड में हेलमेट हो जाएगी। फिर बोई में जोर से नॉक इन करते हुए टीम BM की स्क्वाड में हेलमेट हो जाएगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस स्क्वाड इज टीम स्ट्रॉट्स की स्क्वाड, टीम स्ट्रॉट्स की स्क्वाड के एक बंदे फिनिश ऑफ हो चुके। लेकिन जेनी लोपेज यहाँ पे अनुष्का को नॉकआउट करते हुए वहाँ पे बढ़ते हैं फटाफट से और चेकआउट करते हैं वहाँ की फाइट को कैसे एंगेज कर रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी ने ये वाली टीम ब्लेज की स्क्वाड तो फाइट में नहीं ले रही है। टीम नंबर 17 आई गेस, टीम नंबर 15 यस फिलहाल के रूइंस के अंदर जी रूइंस के अंदर दो स्क्वाड है, दो स्क्वाड में से टीम हिटमैन एंड एज वेल एज यहाँ पे टीम द लास्ट आर्मी स्क्वाड में देखने मिल जा रहा है। राइस के झटके में नॉकआउट करते भाई हिटमैन के रवि के तरह पार्थ के सेक्शन है। फिलहाल भी हमको जिनको से लेके हम अल्ट्रॉन का स्फोटन कर दिए जाएंगे जिन लोग फिर यहाँ पर अल्ट्रॉन को नॉकआउट करते सिर्फ एक बंदे सर्वे करें। यहाँ पे 1 HP के साथ पार्थ के सेक्शन है। फिलहाल के रशिंग करते इस डे का आखिरी मैच सीखे अपने इस मैच में छोटी सी गलती करने से फिलहाल के थर्ड पोजिशन में लास्ट पोजिशन में हेलमेट होने के चांसेस है कि चेकआउट करते। फिलहाल के पार्थ के सेक्शन एक तरह से काफ़ी बेहतरीन होता है, उसको रोकने की कोशिश लेकिन जी ने उनको स्पॉट आउट कर दी जाएंगे पार्थ सेना की तरह से और सॉरी मैं बैठे यहाँ पर जेन लोपे की तरफ से और यहाँ पे पार्थ को यहाँ पे नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 किल सिक्योर कर चुके लेकिन यहाँ पे द कुल भाई को यहाँ पे जोर से खोज चुके हैं। फिर टीम हिटमैन की स्क्वाड की तरफ से और यहाँ पे चेकआउट करते हैं बाकी सारे स्क्वाड जो कि टीम ब्लेज की तरफ रहते जो कि सामी के अंदर फाइट में एंगेज कर रहे थे। टीम ब्लेज फिलहाल के होल्ड करते हैं देखने मिल जा रहा है B4 एंड फिलहाल के लिए अपने FPP स्विच की तरफ फिर M4 एंड फिर नॉट रॉन्ग AKM का कॉम्बिनेशन साथ खुलते हुए हमें PXT बढ़ते PXT वगैरह मॉली करने की कोशिश हमें टीम एजेंट की स्क्वाड की तरफ और हम डेविल वगैरह कवर फाइट देते लेकिन हमें PXT की स्क्वाड PXT फिलहाल को फॉल बैक करते हुए देखने मिल जाएगा। एंड जो फाइटर कुछ देर में चेकआउट होते टीम एजेंट के स्क्वाड पे काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, उनको पता है कि जितना पोजिशन हो सके उतना ज़्यादा कैपिटलाइज करेंगे। तो एक तरह से काफ़ी सारे स्क्वाड्स पे एक आध दो अलग एंगल से नॉक्स एंड सिक्योर करने की कोशिश कर सकते लेकिन ये जो स्क्वाड है फिलहाल के टीम प्लेयर्स से फॉल बैक करने का कॉल आ जाएगा जी। और पूरी स्क्वाड एक तरह से अपने पोजिशन को छोड़ के निकल चुके हैं एंड एज वेल एज इस वाले फाइट को डिसंगेज करने का सही से डिसीजन ले चुके हैं। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि जोन का मतलब जोन एक तरह से अपरशिप ले चुका है। यहाँ पे आते हैं एंड एज वेल एज कैंप अल्फा किस कैंप अल्फा में सही से फाइट एंगेज हो रहा है। कैंप अल्फा चेकआउट करते हैं स्क्वाड सर मैं बड़े आते में फाइट हो रहा है। कैंप अल्फा से काफ़ी ज़्यादा दूर है और यहाँ पे टीम गॉड ऑफ KMC रहे एंड एज वेल एज टीम 22 की स्क्वाड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस स्क्वाड इज टीम 22 चेक यस दिस टीम इज राइजिंग अंडरडॉग। तो ये दोनों स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा क्लोज है आतिन पे और आतिन में शायद से फाइट एंगेज हो सकता है कि नहीं चेकआउट करते जाए शायद से लूट करने आए थे BM के मेंबर्स लेकिन फिलहाल के फॉल बैक कर चुके वाइपर एंड तो देने के द्वारा देखना मिल सकता है और यहाँ पे ऐसे उसे यहाँ पे लूट वगैरह कंटिन्यू करें और इस वाले फाइट को अभी फिलहाल के तो थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे ऑफकोर्स ऐसे सैनवाक का मैप पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज फाइट होंगे और क्लोज फाइट में आपको पता है कि आपकी यूटिलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पे रोल निभाते हैं और तो उसके मुताबिक ऐसे लूट वगैरह कंटिन्यू करेंगे स्कॉर्स। और यहाँ पे पहला एयर ड्रॉप के दर्द पहला एयर ड्रॉप हमें गिरते हुए पातिन के क्लोज टीम नंबर 22 इस वाले एयर ड्रॉप को जोर से एक्सेस कर सकते हो। इस वाले एयर ड्रॉप में चेकअप करते तो कौन सा इस वाले एयर ड्रॉप को ग्रोजा विद द 4 times में देखने को मिल जा रहा है और इस वाले एयर ड्रॉप को कोई और स्क्वाड में कंटेस्ट करने के लिए भी शायद से कोई नहीं क्योंकि वो स्क्वाड फिलहाल के लिए पूरे जोन के अंदर एंट्री करने के लिए बढ़ चुकी थी
और एक तरह से अपने बूट कैंप के तरफ से जो भी स्क्वाड आएगा वहाँ से फाइट में एंगेज करेंगे। लेकिन बूट कैंप के अंदर अभी दो स्क्वाड है, जैसे मैंने बोला था टीम आर और एफ वी कराउल ने पहला नॉक निकलते हुए जीवन पे, और जीवन जैसे कि अभी एक और ग्रेनेड से नॉकआउट है, जीवन ग्रेनेड से अभी वही में एक ग्रेनेड से मॉस्को यहाँ पे नॉकआउट हो जाएगा। सिर्फ दो बंदे सर अगर कोबरा एंड रसर के जाना फिलहाल के जैसे प्री स्मोक कर चुके हैं अपने प्लेयर को रिवाइव देने की कोशिश यहाँ पे स्मोक के थ्रू करते हैं उनको फ्री फायर देने की कोशिश। लेकिन यहाँ पे एफ वी कराउल एफ वी कराउल यहाँ पे एक तरह से 1v1 फाइट और यहाँ पे 1v1 फाइट में जीतते हुए एफ वी के और यहाँ पे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे दर्शन का उनका ग्लिच आउट हुआ था और यहाँ पे अभी भी उनका ग्लिच आउट होते देखने मिलते रहे बोमिया की तरफ से लगातार यहाँ पे M4 के बुलेट्स वगैरह कंटिन्यू हो रहे और यहाँ पे उनके प्लेयर यहाँ पे नॉक एंड फिनिश होने के बावजूद भी फिलहाल टोटल 8 किल्स यहाँ पे सिक्योर कर चुके। यहाँ पे टीम ओल्ड मॉन्क्स जैसे स्क्वाड भी उन्होंने एक तरह से 3-4 कर चुके और उनको उन्होंने अपने पोजिशन को यहाँ पे होल्ड करने में सक्षम नहीं हो पाए। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं इस बार तो कहाँ पे फाइट हो रही है और कौन सी जगह से क्लोजिंग वगैरह करते हुए देखने मिलते हैं। टीम नंबर 20 जो कि टीम इलीट वॉरियर की स्क्वाड है यहाँ पे एक तरह से जोन के अंदर क्रॉल डाउन करने की कोशिश भाई उन्होंने एक नहीं उधर और एक तरह से वही यहाँ पे लीड कर रहे थे। वहाँ पे सर्विस स्काउटिंग वाला पूरा पूरा डिसीजन पूरे पूरे आई सुन के यहाँ पे चारों टाइम मतलब पूरे के पूरे टाइम क्लियर होने चाहिए और पूरा टाइम स्काउटिंग में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक तरह से वही सबसे ज़्यादा आगे देख रहे हैं। तो वरना फिर या तो वो देखेंगे या तो फिर उनको कोई और देखेगा और इजीली नॉक इन फिनिश होने के चांस रहेंगे। लेकिन जैसे कि देखने मिलता काफ़ी ज़्यादा स्लोली एंड काम वॉकिंग की तरफ से स्काउट कर करके वो अपने एक एक छोटे छोटे मूवमेंट को यहाँ पे ध्यान रखते हुए जोन के अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो क्यू बी जी एंड यूजी का तबको पता नहीं होगा एक तरह सैनो के मैप के अंदर यूजी के साथ भी काफ़ी सारे स्क्वाड्स वगैरह क्लच करते हुए मैंने देखे हुए। तो ये वाले जो यूजी का जो कॉम्बिनेशन है स्क्वाड जरूर उसको एक्सेस कर सकते हैं और इस पर इसका जो यूजी का जो ट्रू पावर है सैनो के मैप में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से देखने को मिलता है। तो आपको पता ही होगा कि सैनो के मैप के अंदर डेजिगल का जो कॉम्बिनेशन होता है और जो यूजी का जो लो फायर जो स्प्रेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो आप अगर आप कंटिन्यूस अगर जिगल दे देखे अगर आप प्लेयर को अगर नॉक इन फिनिश ऑफ करते रहोगे तो इजीली स्क्वाड वाइप होने के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि इस बार किंग की तरफ से कितने प्लेयर्स हमें नॉक इन सिक्योर कर पाते या फिर खुद भी या फिर क्या दूसरे किसी SMG या फिर दूसरे किसी AR के फायर से हेलमेट हो सकते हैं। टीम ब्लेस की तरफ बढ़ते हैं टीम ब्लेस यहाँ पे रूइंस की तरफ एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे उनके साथ उतना डिस्टेंस से लूट है हो चुका है तो उसी डिस्टेंस से लूट कर और भी लूट को कंटिन्यू करते हैं देखने मिल जाएगा। टीम नंबर 8 की स्क्वाड जो कि रूइंस के अंदर थे वो फिलहाल फिर रूइंस के ब्रिज की तरफ बढ़ते हुए और इफ आई एम नॉट ऑन टीम नंबर 21 के विटामिन एच ब्रिज का अपोजिट साइड से देख रहे थे या फिर अपोजिट साइड से उनका रोटेशन आ रहा है। तो यहाँ पे साइड से उनके प्लेयर वगैरह एंट्री करने की कोशिश। इस बार जो जोन है इधर से नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड बना हुआ है और नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड की तरफ बनने का रीज़न ये होगा कि इस बार अगर जोन अगर पहले से अगर नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड वाले छोटे से आइलैंड के अंदर नहीं जाएंगे तो बाद में उनको ब्रिजेस या फिर उनको तेरह तरह के जाना पड़ेगा और तेरह तरह के जाने मतलब एक डायरेक्ट नॉक एंड फिनिश होने पूरे एक बार चांसेस होंगे। लेकिन इस बार यहाँ पे टीम लोकी पड़ते टीम लोकी एंड टीम यूनिवर्स जो कि जोन के बाहर फिलहाल जोन के अंदर एंट्री करना रहेगा चिन्नो वगैरह प्रोन डाउन है शायद से अपने सराउंडिंग्स को उधर से स्काउट नहीं कर रहे फिर लोकी वगैरह एज उसे सराउंडिंग्स को स्काउट नहीं कर रहे फिलहाल के थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश करी जा रहे हैं। इस बार इम्यून के शुभम ने यहाँ पे कवन को यहाँ पे नॉकआउट कर चुके और अगर आपको नहीं पता कि इम्यून ने पहला वाला मैच चिकन ने सिक्योर किया था और सेकेंड वाला मैच के अंदर अपने को 11th पोजिशन सिक्योर किया था तो इस एक तरह से वो अपने आप को वापस से टॉप 1 पोजिशन सिक्योर कर चुके। लेकिन इस वाले मैच से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है और इन्होंने एक और प्लेयर का हेलमेट कर चुके तो इस वाले चेकआउट करते हैं कि इंडियन पाइथन की पोजिशन वगैरह मिले ये इंडियन पाइथन की पोजिशन वगैरह मिले JP वगैरह गॉड के बीच वगैरह लगातार फायर देने को उनको स्पॉट कर दिए जाएंगे। इस बार आए इम्यून के शुभम के दर और शुभम उनका किल वगैरह सिक्योर करने के लिए दर्शन का थर्ड शॉट करेंगे दोनों के उन्होंने 2 किल सिक्योर कर चुके। लेकिन इस बार किंग के साथ आखिरकार फायरिंग कर चुके QBC से QBC विद द 3x के साथ यहाँ पे स्पॉट आउट करने की कोशिश यहाँ पे नो निकले की तरफ से यहाँ पे ज़रा से ऐसे फायरिंग वगैरह नहीं आ रहा उनके ऐसे QBC विद 4 टर्न्स। लेकिन फिलहाल के अपने प्लेयर को यहाँ पे कवर फायर देने में सक्षम नहीं हो पाए दोनों प्लेयर्स के द्वारा तो इसकी वजह से इनके दो मेंबर यहाँ पे ऑलरेडी नॉकआउट फिनिश होते और टीम इम्यून के स्क्वाड आखिरकार उनका रोटेशन देते हुए दूर से सेल फाइट को एंगेज करने के लिए बढ़ते हुए और यहाँ पे दूर से आखिर के 2 किल्स है उसको भी एक्सेस करते हुए देखने मिल जाए। और यहाँ पे ऐसे सुबह वगैरह लूट वगैरह कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे गॉड बीस्ट और फिलहाल के स्काउटिंग करते हुए देखने और हमें किंग फिलहाल के फॉल बैक का डिसीजन आते हुए फैम नॉट ऑन जीने यहाँ पे उसी पोजिशन को होल्ड करते हुए उनको पता है एक तरह से पिन डाउन हो चुके और अपने पोजिशन वगैरह रिवील होने के बाद सर्विसेस इस वाले फाइट को एंगेज करते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर तक स्लो पेस देखने को मिलता है तब तक बढ़ते टीम वॉर्डक की टीम वॉर्डक एंड टीम शैड टीम वॉर्डक यहाँ पे इमन के JP ने यहाँ पे किंग को भी स्पॉट कर चुके हैं। टीम एजेंट की स्क्वाड टीम वॉर्डक के काफ़ी क्लोज है यहाँ पे
इफ आई एम नॉट रॉन्ग एटलीस्ट यहाँ पे 200 मीटर्स का डिस्टेंस है और यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे रिच के उस पार है जिसकी वजह से सेफ है और बैकिंग का किल भी हम सिक्योर होते हैं नॉन एक नेम यहाँ पे हेलमेट हो जाएंगे और टीम इम्यून यहाँ पे सक्सेसफुल एक तरह से फोर मैन स्टैंडिंग का डायरेक्टली हेलमेट करते हुए विदाउट टेकिंग एनी सिंगल ब्लड डैमेज तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन उनके तरह से हमको देखने मिल जाएगा 4x4 के बीच में टीम इम्यून के खाते में 4 किल्स यहाँ पे जाते हुए तो हम 4 किल्स होने के बाद ये है कि अपने लिए अपने जोर से टॉप 8 के अंदर तो बना चुके हैं क्या आप अपने लिए क्या जो टॉप 1 का जो पोजीशन है क्या वो मेंटेन कर पाती है टीम इम्यून की तरफ से तो वो जोर से चेक इन करना रहेगा तो यहाँ पे आरजे और का निंजो तीनों के तीनों में काफ़ी ज़्यादा क्लोज से उनको मूव इन करते देखने मिल जाते लेकिन एजेंट के ग्रुप काफ़ी दूर है जो जोन के बाहर से लूटिंग करते देखने मिल जा रहा है ये अपने प्लेयर इनके काफ़ी ज़्यादा दूर है जो कि टीम ब्लेज के बीच में से शायद उनको रोटेशन अगर आएगा या फिर फिलहाल बगी के साथ हम एंट्री करेंगे तो जोन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है टीम लेस की तरफ बढ़ती है जैसे उनको स्पॉट कर सकते हैं कि इसमें जो जोन है जोन इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे बूट कैंप को फेयर करते हुए और फिर टीम लेस के स्क्वाड की तरफ से रोटेशन आएगा 400 मीटर्स का डिस्टेंस 2 मिनट का टाइम क्या अपने लिए जोन के अंदर एंट्री करके फिलहाल करते उन्होंने पूरे अपने बिल्डिंग्स के अंदर पूरे स्टिकर से बिटा चुके हैं और अपने जोन की तरफ बढ़ते टीम मैड मैक्स के स्क्वाड बूट कैंप के अंदर एंट्री करेंगे या फिर इस वाले पोजीशन होल्ड करेंगे ये वाले पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर आपको नहीं पता ये जो वॉच टावर की तरफ काफ़ी सारे स्क्वाड्स हमें क्लचिंग करते देखने ये वाले पोजीशन के अंदर जो भी कंटेस्ट करते हैं वो एक तरह से हेलमेट होते हुए देखने मिल जाएगा एजेंट के ओवर को यहाँ पर नॉकआउट कर चुके हैं वॉट डैक के रोनिन की तरह इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी ने यहाँ पर डैडी की तरह नॉकिन देखने मिल जाएगा शायद उनका किल वगैरह सिक्योर भी कर सकते हैं यहाँ पर ईजी किल वगैरह सिक्योर कर सकते हैं यहाँ पर आरजी भी बढ़ते आरजी के अपने प्लेयर के रिवाइव देने के सक्षम हो पाते हैं फिलहाल स्मोक वगैरह करने की कोशिश यहाँ पे और एजेंट को डायरेक्टली नॉकिन फिनिश ऑफ कर दिए बोर्स के द्वारा वॉट डॉक रेड कलर के नेट करने की कोशिश डैडी को स्पॉट आउट कर चुके थे फिर आरजे लेकिन उन पर एक उनका शॉट वगैरह कनेक्ट नहीं हो पाया शायद स्मोक की वजह से नहीं दिख रहा था लेकिन यहाँ पर एजेंट के निंजा आकर यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश यहाँ पर आरजे भी बढ़ते आरजे सॉरी माय बैड यहाँ पर निंजा भी बढ़ते गुरु आखिरकार यहाँ पे जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे टीम प्लेस के साथ से लोकेशन वगैरह पता है उनको पता है यहाँ पे कोई ना कोई स्क्वाड वगैरह लूट करे थे तो इसलिए थोड़ा सा सेफली खेलने की कोशिश और इस बार बग्गी के साथ अपने स्क्वाड के साथ हमें रीयूनाइट होने को देखने मिल सकता है यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे पियर्स आउट करते और बढ़ते टीम नंबर 23 जो कि टीम इटमैन के स्क्वाड वहाँ पे सेम यहाँ पे रूइंस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है उनको शायद से टीम एजेंट के जो गुरु को काफ़ी सेफली उनको रोटेशन देना पड़ेगा वरना फिर यहाँ पे हेलमेट होने के चांसेस होंगे और अपने उनके प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदे यहाँ पे हेलमेट हो चुका है तो यहाँ पे एजेंट के सिंह साहब को स्पॉट आउट नहीं किया ब्रो ओ माय गॉड उन्होंने स्पॉट आउट नहीं किया यहाँ पे उनके प्लेयर शायद से वो ग्लिच आउट था कि उन्होंने स्पॉट नहीं किया ये नहीं पता लेकिन सॉरी जाने दीजिए शायद से कुछ हो गया होगा शायद से उन्होंने स्पॉट नहीं कर पाए या फिर कुछ ऐसे इशू हो गया होगा तो लेकिन ये झटके गुरी तरह से आखिरकार इनका रोटेशन आते हुए मेरे को देखने मिल जाए एंड एज वेल एज अपने जो टीम इटमैन स्क्वाड आखिरकार अपने जो रूइंस वाले पोजीशन को छोड़ के अपने जोन की तरफ बढ़ते हुए देखने मिल जाए और हम बढ़ते टीम वॉट डॉग स्क्वाड की तरफ उनको पता है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्क्वाड जोन के अंदर एंट्री करके उनको गेट कीप करते हुए देखने मिल जाए वॉट डॉग स्क्वाड काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम एजेंट के प्लेयर यहाँ पर ऑलरेडी हेलमेट कर चुके हैं और हम बढ़ते एजेंट के निंजा पे एजेंट के आगे कि एक मैच स्प्रे डाउन देने को यहाँ पे शैडो पे दिए जा सकते हैं डैडी पे जो शैडो को स्पॉट आउट कर दीजिए लेकिन शैडो को स्पॉट आउट करने से पहले आज जी को यहाँ पे नॉकआउट कर दीजिए भाई वॉट डॉग डैडी के द्वारा और जी हाँ उनका किल भी सिक्योर हो जाए क्योंकि अब उनके जो प्लेयर है निंजा काफ़ी ज़्यादा दूर है एक तरह से फॉल बैक ने बीटी देने की कोशिश की लेकिन डैडी को स्पॉट आउट करने से पहले डैडी को स्पॉट जोर से कहते उनको नॉक भी जोर से कहते लेकिन पोरस की तरह से क्यूबीसी का स्प्रे आ जाएगा और यहाँ पे निंजा यहाँ पे हेलमेट हो जाएंगे यहाँ पे गुरु पे चेकआउट करते हैं क्या गुरु की तरह से क्या कुछ क्लच मूवमेंट हो पाता है कि नहीं फिलहाल अपने बगी के यहाँ पे सलमान भाई बनते हैं और सलमान भाई से ऐसे स्टंट करने से अपने अपने प्लेयर का रिवाइव तो देने को सक्षम नहीं हो पाएगा टीम इटमैन का स्क्वाड सेम पाथ पे एंट्री करने को 200 मीटर्स और टीम 200 मीटर्स के डिफरेंस पर टीम वॉटर की स्क्वाड देखने मिल जाए एंड एज टीम ब्लेज के स्क्वाड भी सेम पाथ पे देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या टीम कौन से स्क्वाड से हमें कंटेस्ट करेंगे तो चेकआउट करते हैं तो हमें टीम ब्लेज की तरफ स्टेट टू बढ़ते ऐसे थोड़ा सा जोन टू जोन एक तरह से बिगेस्ट पाथ की तरफ बैठते एक तरह से पूरा कर्व के थ्रू यहाँ पे एंट्री करेंगे यहाँ पे एजेंट का आरजे की पोजीशन वगैरह चेकआउट करते हैं उनका किल वगैरह सिक्योर हो जाएगा टीम ब्लेज उनके पीछे से यहाँ पे जोन की तरह एंट्री करते हुए यहाँ पे ब्रिज का क्रॉस करते हुए यहाँ पे पाइनान की तरह से एंट्री कर चुके ऑलरेडी और जोन एक तरह से ईजी जोन उनको मिल जाएगा टीम ब्लेज को यहाँ पे चेकआउट करते हैं फिर दूसरे एयरड्रॉप दूसरे एयरड्रॉप में कौन से वेपन चेकआउट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी ड्रॉप आउट हो चुके तो इसलिए ड्रॉप को क्या किसी ने सिक्योर किया तो चेकआउट करते हैं जी ने इस वाले एयरड्रॉप के अंदर MG3 विद द सप्रेसर AR और मेरे को लेवल 3 हेलमेट देखने को मिल जाए तो हम पे लेवल 3 यूटिलिटीज वगैरह टीम लोकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है क्या टीम लोकी इस वाले एयरड्रॉप को क्या एक्सेस करती है और अपने लिए MG3 जैसे ब्यूटीफुल वेपन को क्या होल्ड कर पाते हैं चेकआउट करते हैं तो अपना जो आज के डे टू के थर्ड मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं फिलहाल स्क्वाड्स की तरफ से हमको अर्ली एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है एंड सारे के सारे स्क्वाड्स फाइट में एंगेज करते हुए कोई भी स्क्वाड ऐसा नहीं कि वो फाइट में डिसंगेज करते हुए देखने को मिल जाए और टीम ब्लेज का जैसे
टीम जिसके अंदर ऑलरेडी रोटेशन आ रहा था टीम एटमेंट की तरफ बढ़ते जो कि जोन के बारे से सेम पाथ को फॉलो करते हैं। टीम ब्लेज जिस रास्ते जा रहे उस वाले रास्ते को फॉलो करें, शायद टीम ब्लेज के साथ फुटस्टेप्स वगैरह देख देख के या फिर उनको जमीन में उनको कहीं से फुटस्टेप वगैरह दिख रहे तो ये नहीं पता, लेकिन सेम पाथ को फॉलो करें टीम एटमेंट की तरफ से तो यहाँ पे चेकआउट करते कि इस बार वो कौन से पोजीशन से एंट्री करते हैं। उन्होंने बुट गैंग की टीम नंबर 70 जो कि अभी होल्ड कर रही है, अपनी जो पोजीशन अभी तक छोड़ा नहीं क्योंकि उनको पता है कि बुट गैंग के किंग बन चुके ऑलरेडी और उनके टोटल 7 किल्स 8 किल्स हो चुके हैं बुट गैंग के अंदर। तो अभी चेकआउट करते हैं इनके जो इतनी सारी लूट है, इतने सारे यूटिलिटीज के बाद कि आपने लेके आप बुट गैंग के जो पोजीशन क्या सिक्योर कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे स्क्वाड्स एंट्री करें उनको पता है कि बुट गैंग के पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसलिए पोजीशन को जरूर से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। एंड एज वेल कंटेस्ट करने के चक्कर में टीम 17 के स्क्वाड मेंबर कितने देर तक होल्ड करते हैं तो वो चेकआउट करते हैं, क्योंकि टीम नंबर 21 पर टीम नंबर 21 के विटामिन के स्क्वाड के जैसे हमको रोटेशन आ रहा है। प्रोफेसर वगैरह पे स्विमिंग करके जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश करें, मेजर टू अभी शायद से अभी तक उन्होंने छोड़े नहीं है और विटामिन एच वगैरह भी उनको इस ऐसे तैयार के उनको फटाफट से बूट कैंप के वेयरहाउसेस तक बढ़ते हुए शायद स्पॉट पहुँच जाएंगे कुछ ही देर में। और यहाँ पे जब तक के लिए स्क्वाड वगैरह एंट्री नहीं करें टीम एटमेंट में बढ़ते टीम एटमेंट फिर आगे जैसे बोले टीम ब्लेज के सेम पास इधर उनको उनके सामने टीम ब्लेज और उनके सामने इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम नंबर 19 की स्क्वाड जो कि टीम असर है और हमें जेनी लोपी की जरूरत स्पॉटआउट कर सकते हैं चेकआउट करते हैं या फिर जेनी लोपी के टीम ब्लेज को स्पॉटआउट कर पाते हैं हमें डार्क सोल को जरूरत स्पॉटआउट किया, लेकिन अगर फायरिंग देंगे तो मुश्किल पड़ सकते हैं हमें डार्क सोल को जरूरत स्पॉटआउट किया। डार्क सोल में जेनी लोपी के व्हीकल के बन जाते हैं और फिर जैसे ब्लेज के पीएचडी को स्पॉटआउट कर दीजिए। ब्लेज के बाकी मेंबर्स फिलहाल के लिए तो बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्लेज के मैट्रिक्स वगैरह शायद से अपने प्लेयर पर मिलवाए दे नहीं पाएंगे। और फिर ब्लेज के पीएचडी किल वगैरह सिंह साहब के द्वारा फिर M4 से यहाँ पर कन्फर्म M16 से यहाँ पर कन्फर्म कर दिए जाएंगे C9 के डेविल के द्वारा और B4 एंड डेविल फिलहाल अपने प्लेयर पर मिलवाए तो दे नहीं पा रहे, लेकिन हम डेविल ने जस्ट बेहतरीन से नॉक एंड फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे डायरेक्टली नॉक एंड फिनिश। और सिंह साहब बढ़ते सिंह साहब अपने प्लेयर को क्या रिवाइव दे पाते हैं चेकआउट करते हैं क्योंकि टीम ब्लेज की स्क्वाड में जोन के अंदर एंट्री करने के लिए फाइट करेगी और जो ब्लेज की मैट्रिक्स अगर उनके तरफ से अगर कवर फर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकते हैं। और टीम ट्रेन स्क्वाड पर हेलमेट पूरे पूरे चांस लेके दूरी से सोलह फैक्टर को डिनाई करते हुए देखने मिल जाएगा। अपने ब्लेज के डेविल ट्रीटमेंट रवि का सिल्वर सिक्योर करते हुए और अपने जोन की तरफ बढ़ते हुए देखने मिल जाएगा। तो ओपन से जोन के अंदर एंट्री करने की ब्लेज के डेविल B4M के द्वारा और यहाँ पे बढ़ते जेनिल ओपी एंड सत्य सिंह साहब पे जेनिल ओपी ऑलरेडी चार हो चुका है बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे दो बंदे के साथ फाइट में लेना पड़ेगा जो कि लॉर्ड कैंस एंड एज वेल एज एक तरह से फ्री फायर देने की कोशिश उनको शायद से थोड़ा सा सेफली खेलना पड़ेगा। अगर वो अंदर जाएंगे देखते हैं डेड मेट जाती है वो नॉक एंड फिनिश हो जाए तो जैसे मैंने बोला कि नॉक एंड फिनिश होने चांसेस दिया एक तरह से तो स्पॉट आउट कर दिए जाएंगे, लेकिन उनके लॉर्ड कैंस के पे एक एम के स्प्रे से ब्लेज के मैट्रिक्स यहाँ पे हेलमेट हो जाएंगे। ब्लेज के डेविल एम बिफोर एम अभी सर्व कर जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं और हम पे जैसे मैंने बोला क्लोज के अंदर यूजी का जो एक्सप्लोसिव डैमेज जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर लेते हैं और हमें जेन लोपी की तरफ से पहला नॉक देखने को मिल जाए सीनान के डेविल पर सीनान के डेविल का किल वगैरह सिक्योर करने की कोशिश। हमें सिंह साफ वगैरह एक तरह से अपने लूट वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं और चेकआउट करते हैं ग्रेनेड से काफ़ी ज़्यादा डैमेज है सीनान के डेविल जी यहाँ पर हेलमेट होते हुए देखने मिल जाए जेंटा के कमी लॉर्ड कैंस अपने प्लेयर का रिव्यू दे तो नहीं पा रहे उसके साथ ही उनको उनको कवर फायर भी देते हुए मेरे को देखने को नहीं मिल रहा एमयून के शुभम ने यहाँ पर जोकर को नॉकआउट कर चुका है और जोर से स्पॉटआउट कर चुका है जेड डाई कमी वगैरह यूजी का अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर जेल ओपन सी एन के डेबल का किल वगैरह सिक्योर करते हुए एक तरह से 2v2 अपने 2v2 फाइट के अंदर फटाफट से स्मोक का उपयोग करेंगे तो ये कुछ हेल्प हो सकता है, लेकिन ऑफ कैसे इम्यून के शुभम को यहाँ पर नॉकआउट कर चुके फटाफट से हमें ग्रेंड करने की कोशिश, लेकिन ग्रेंड यहाँ पर ऑफकोर्स ही बताया वहाँ पर डोर है डोर पे लगेगा तो ऑफकोर्स वो बाउंस बैक होगा और हम पे टीम रिवर्स के स्क्वाड में टीम इम्यून के स्क्वाड से काफ़ी ज़्यादा डैमेज लेते हैं देखने मिलते हैं और हम पे टीम फटाफट से बढ़ते टीम इम्यून के स्क्वाड पे एक तरह से क्लोज रेंज फाइट में को देखने मिले और अच्छी फिर इम्यून के JP बच जा रहे हैं। फिर JP के साथ दो खेल ऑलरेडी हो चुके लेकिन टीम इम्यून के स्क्वाड एक तरह से वापस से स्टैंड ऑफ हो चुके हैं। हम कैप्टन जैक्सपर भी जोर से हमें रिवाइव देने को मैगनम बैंक को अपने प्लेयर को हम रिवाइव देने कोई भी तो 1 HP के सर्व कर रहे हैं ऑफ कर अपने प्लेयर को हम कवर फाइट देने को और अपने शुभम को शायद से रिवाइव मिल जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिया शुभम को रिवाइव मिल जाएगा मैंड्रिन का किल अब कुछ देर में सिक्योर हो जाएगा। टीम रिपर जरूर से इस वाले किल को कैपिटलाइज करेंगे और मैंड्रिन बैंक को स्पॉटर कर चुका है हेडशॉट कर मैंड्रिन का किल वगैरह सिक्योर कर चुके हैं और यहाँ पर फटाफट से बढ़ते जोन के अंदर जैसे टीम में एटलास बुट कैंप के अंदर एंट्री करने की कोशिश BM के वाइपर को स्पॉटर कर दीजिए करें तो उसका BG के जरिए BM के वाइपर को स्पॉटर कर जोन के बाहर से जो फाइट को कैपिटलाइज करेंगे तो
बॉट ऑफ गेम से रिक स्क्वाड के एक बंदे में ऑलरेडी हेलमेट हो चुका है, 200 स्क्वाड करने को से हमें करे तो उसके नॉकआउट कर दिया जाएगा। एक पे हम पे 4x लगा चाहिए, एक में 4x यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में, आपको पता है कि बुलेट ड्रॉप के साथ एंड इसकी बुलेट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा लो है, तो इसके मतलब इस फाइट एंगेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इंग्लैंड के जेपी फिलर का अभी भी सर्वे करें अपने को हिल डाउन करते हुए, फिर टीम रिपर्स फिलर ने अपने लिए टोटल इफ एम नॉट रॉन्ग उन्होंने एक ही किल सिक्योर किया, जी ने दो किल सिक्योर करते लेकिन उनके लिए क्लियर हेलमेट होते हैं। फिलहाल की ग्रेड्स का स्पैम करते हुए टीम इंग्लैंड के द्वारा बेहतरीन ग्रेड आया, तो इसके बाद ऑफ कैच यहाँ पर एक वन एच पहुंच गए। अगर एवं ग्रेड अगर थोड़ा सा परफेक्ट टाइम होता तो शायद से दो बंदे हेलमेट होने के पूरे पूरे चांसेस थे, वहाँ पर टीम इंग्लैंड के स्पॉट को शायद जोन के अंदर एंट्री कर चुके, लेकिन अभी जैसे मतलब ग्रेड का स्पैम अभी चालू है इंग्लैंड के सुबह के द्वारा, और अभी जैसे फ्री फायर जैसे कोशिश अभी जैसे चेकआउट करते टीम फटाउट करते टीम एट मैन के स्क्वाड की तरह, एट मैन के इधर से प्लेयर को स्पॉट करते हैं। जेंटा की कमी से पोजिशन वगैरह रिवील हो चुके थे, लेकिन एक तरह से परफेक्ट पिक्सल पर परफेक्ट हेड पे उनका एडीएस वगैरह खोल रहा है, तो जरूर से चेकआउट करते हैं सिंह साहब की पोजिशन। लेकिन चिन्नू ने अभी बी एम के प्रिंस को नॉकआउट कर दिया, जो कि बॉट ऑफ गेम्स यार अभी चिन्नू को हमें नॉकआउट कर दीजिए भाई साला के द्वारा, और अभी जेनोस को हमें नॉकआउट कर दीजिए भाई बी मैक के द्वारा, टीम लोग आखिरकार फाइट में एंगेज करते हुए अभी चिन्नू का किल वगैरह सिक्योर करते हुए भाई जैसे मैं बोला कि एट लास्ट उनके फाइटर में एंगेज करते देखने मिलते हैं। जेनोस का किल वगैरह से सिक्योर हो जाएगा, अब इंग्लैंड का सिर्फ किल फिलहाल के मैग्नो बैंक के अंदर सिक्योर हो जाएगा, और अब सिर्फ उसे वन मैन स्टैंडिंग जो कि मैग्नो बैंक और उनके सामने टीम इंग्लैंड के भी दो बंदे हैं रशियन से जेपी एंड एज वेल एज शुभम की स्क्वाड, शुभम अभी सर्वाइव कर सकते नॉक इन हुए पड़े नॉकआउट हुए पड़े उनके डेबिट के बिल्डिंग के तरह उनको स्पॉट कर दीजिए, और टीम उन्होंने हेलमेट हो जाएगी जरूर से उन्होंने एक प्लेयर को हेलमेट करके पूरी स्पॉट नॉर्थ पर हेलमेट किया था, लेकिन प्लेयर को वो भी यहाँ पर हेलमेट किया, और टीम टेन के साले को भी यहाँ पर हेलमेट कर चुके भाई क्रेटोस के द्वारा, तो क्रेटोस काफ़ी किलिंग स्प्रे पे निकल चुके, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे तीन किल सिक्योर कर चुके अपने मैच के अंदर, और हम पे एजेंट के गुरु भी शायद से किल स्प्रे सिक्योर करते हैं देखने मिले, और हम पढ़ते बूट कैंप के अंदर जो कि दोस्त भी फाइट में एंगेज करते हैं। सिंह साहब ने यहाँ पे जो आखिरी बंदे बचे जो कि लॉर्ड कैंस उनको भी शायद नहीं लॉर्ड कैंस नॉकआउट कर चुके, लेकिन जेंटा की कमी अभी सर्वाइव कर रहे हैं के स्क्वाड ने टोटल दो किल सिक्योर किए, लेकिन जो दो किल अपने आपको क्या टॉप एट के अंदर लेके आने में सक्सेस हो पाती है कि चेकआउट करते हैं, तो अपने लिए अभी प्रोंडा नॉक प्रोन गेमिंग खेलते हुए देखने मिलते हैं। और हम बढ़ते टीम नंबर 21 जो कि बूट कैंप के अंदर एक तरह से एक कवर के अंदर तो फिर टीम ऑर्डर की स्क्वाड एट लास्ट बूट कैंप पे जोन बाहर बनते हुए फटाफट से जोन पर भी रोटेशन वगैरह आ जाएगा, और हमें बढ़ते टीम नंबर जेनल ओपी वगैरह पर टीम एट पैन की स्क्वाड एक तरह से उन्होंने टोटल 7 किल सिक्योर कर चुके, जबकि उन्होंने अभी तक इस वाले मैच के सिर्फ 2 मैच स्टैंडिंग बचे हुए अपने फाइट के अंदर एंगेज करते हुए देखने मजा आया। टीम 17 बचे टीम 17 की साइड से दो बंद एक बंदे यहाँ पे नॉकआउट हो चुके जो कि अब बेकर वाले वॉर्डर के पुलिस के द्वारा, फिर टीम ने यहाँ पे जोर से एक नॉक तो निकाला, सॉरी मैं बट एक तरह से दूसरी टीम के नॉक निकाला जी, दूसरी तरफ फाइट हो रहे तो ब्लैक डेविल बढ़ते ब्लैक डेविल फिलहाल अपने फील डाउन करें बोई में अपने को कवर मार कुछ लेके सिंह साहब ने डेडू को नॉकआउट कर चुके, कुछ फटाफट से बढ़ते सिंह साहब ने डेडू पे वॉर्डर की डेडी का क्वेश्चन वगैरह रिवील है, जिन लोग जोर से स्पॉट वगैरह जोर के बाद एंट्री करें जिन लोग नॉकआउट कर दी जाएंगे, फिर टीम यहाँ पर हेलमेट होती है टीम एटमैन स्क्वाड काफ़ी बेहतरीन अपने दो किल सिक्योर किए थे, लेकिन प्ले जोन से यहाँ पर तपस्वी ने जोर से उनका किल वगैरह सिक्योर कर दिए जाएंगे, तो यहाँ पर टीम एटमैन स्क्वाड फिलहाल 6 पोजन में यहाँ पर हेलमेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो मैं जेंटा के मैं फिलहाल अपना गिल डाउन करने की कोशिश अपने सिर्फ सिर्फ 5 हेल्थ किट से क्या 5 हेल्थ किट क्या अपने आपको क्या जोन के अंदर क्या जगह बना पाती है चेकआउट करते हैं, और यहाँ पे फिर हम नॉट रॉन्ग यहाँ पे एक और स्क्वाड हेलमेट होती है जो कि टीम TS और प्ले जोन से ऋतु का किल वगैरह सिक्योर होते हैं, डेड मैन को जोर से पिकऑफ कर चुके, और अपने टीम वॉटर स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टोटल 9 किल्स, और हमको पता है कि पिछले बार कल की जो मैचेस में वॉटर स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा किल्स सिक्योर किए थे सैनो के मैप के अंदर, लेकिन और जो सेम अगर रिपीट हो रहा है इस वाले, और अपने टीम लोकी का मेरे को किसी की तरह आता पता नहीं देख रहा इस वाले मैच के अंदर, क्योंकि कल के दिन में टीम लोकी की तरह से काफ़ी ज़्यादा किल्स वगैरह सिक्योर होते हैं, उन्होंने 2 डबल चिकन सिक्योर किए थे, तो इस वाले मैच के अंदर अपने को टॉप 8 के अंदर लेकर आ पाते कि नहीं चेकआउट करते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग के 2 मैच उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किल्स वगैरह सिक्योर किए, लेकिन अपने को प्लेसमेंट पॉइंट्स लाने में सक्षम नहीं हो पाते, लेकिन अभी सर्वे करते हुए देखने मिल रही टीम नंबर 22 जो कि राइजिंग अंडरडॉग की स्क्वाड थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ पे 4 टीम्स बच जाएंगे राइजिंग अंडरडॉग वी टोटल 3 प्लेयर्स अला, फिर टीम ब्लेज वी टोटल 2 प्लेयर्स अला, टीम वॉडर वी टोटल 4 प्लेयर्स अला, एंड टीम 19 जो कि टीम लोकी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ब्लेज के डेवलप स्पॉट करते हैं, यहाँ पे 19 के प्लेयर जो कि एक बंदे सर्वे कर रहे थे उनको भी नॉकआउट कर दिए जाएंगे, बी फॉर अपने प्लेयर को हम पे जगह देने की कोशिश करते हैं, फिर टीम वॉडर को उनको भी नॉकआउट फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे, हमें टीम वॉडर की स्मार्ट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है ओपन में विदाउट एनी स्मार्ट विदाउट एनी यूटिलाइज उनका ओपन में जाते हुए देखने जाए, टीम देश को बी फॉर हम जो अपने प्लेयर को हम जगह देने की कोशिश कर रहे हैं चेकआउट करते हैं, हमें डेविल को स्पॉट आउट कर दिए जाएंगे फिट की तरह, और अपने डेविल का टीम वगैरह सिक्योर करते हैं
बिफोर हम जाके जोन के पास एंटर करने को चाहिए वॉटर के डैडी ने पार्क नॉकआउट कर चुके वॉटर की स्क्वाड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जब से इसे कोई बड़ी फाइट करना ब्लिंकिंग ब्लेस का भी पूरे निकल कर पर हमें जोन के अंदर एंटर करने की कोशिश अभी ब्लेस का आखिरी कर उन्होंने साइड से स्प्रे डाउन किया था पर टीम 22 की एक बंदे सर्वे करके साइड स्मोक की तरफ फायर देने की कोशिश अभी फिर स्क्वाड कर दीजिए जी हां उनकी स्क्वाड को हेलमेट कर दिए जाएंगे इजी के लिए वॉटर की डैडी विद यूजिंग उनको लेकर चली जाएंगे उनको लेकर चली जाएंगे जी हां टीम ब्लेस की स्क्वाड में हेलमेट हो जाएगी एट द सेकंड पोजीशन तो फिर टीम वॉटर की स्क्वाड गेटिंग देयर इजी चिकन इन द विथ 12 फिनिशेस का इस वाले मैच के अंदर क्लोजिंग वाले फाइट्स के अंदर काफी बेहतरीन फाइट्स हमको देखने को मिल चुके हैं तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन टीम वॉटर फॉर गेटिंग द फर्स्ट सिग्नेचर इन अवर डे टू मैच तो यहाँ पे चेकआउट करते हैं सेकंड पोजीशन पर आ चुके सेकंड पोजीशन में आ चुके टीम ब्लेज विथ 3 फिनिशर थर्ड पोजीशन में आ चुके टीम राइजिंग अंडरडॉग टोटल 6 फिनिशर यहाँ पे फोर्थ पोजीशन में आ चुके टीम अश्वत्थामा विथ टोटल 2 फिनिशर यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन में आ चुके टीम लोकी विथ टोटल 4 फिनिशर यहाँ पे सिक्स पोजीशन में आ चुके टीम इटमैन विथ टोटल 1 फिनिशर सेवन पोजीशन में आ चुके टीम इटमैन विथ टोटल 9 फिनिशर यहाँ पे जेनी लोपी आज के इस वाले मैच के जरूर से MVP बने क्योंकि उनके जो किल्स के मामले में उन्होंने जो 8 किल्स सिक्योर किए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थे एंड एज वेल एज अपने टॉप 7 में लेके आने में सक्षम भी हो पाए लेके अपने उनके टॉप 8 में क्वालिफाई कर पाए तो वो जरूर से चेकआउट करना रहेगा और यहाँ पे 8th पोजीशन में आ चुकी टीम एडमैक्स विटो 1 फिनिशर 9th पर आ चुकी है टीम स्ट्रॉइड्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम स्ट्रॉइड विटो 8 फिनिशर यहाँ पे 10th पोजीशन में आ चुकी टीम एजेंट विटो 1 फिनिशर 11th पोजीशन सिक्योर करती है भाई टीम बॉट ऑफ के MCRI विटो 1 फिनिशर 12th पोजीशन में आ चुकी टीम इम्यून विटो 8 फिनिशर्स यहाँ पे 13th पोजीशन में आ चुकी टीम रिवर्स विटो 3 फिनिशर 14th पोजीशन सिक्योर करती हुई बाई टीम इलीट वॉरियर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग विटो 0 फिनिशर विथ एंड 15th पोजीशन में आ चुकी टीम ओल्ड मॉन्क्स विथ 0 फिनिशर 16th में आ चुकी टीम द लास्ट आर्मी विटो 1 फिनिशर एंड 17th पोजीशन में आ चुकी टीम VM विटो 1 फिनिशर्स के साथ सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे सेमीफाइनल्स के डे 2 के तीनों मैचेस कंप्लीट हो चुके और तीनों मैचेस के अंदर अलग अलग स्क्वाड चिकन ने सिक्योर किया तो अपने जो चेकआउट करते जो कंबाइंड जो पोजिशन रैंक एंड किल पॉइंट्स के साथ जो अपने आपको कौन सी टीम टॉप 8 में लेके जाएगी और कौन सी टीम अपने आपको फाइनल्स के अंदर क्वालिफाई कर पाएगी तो वो चेकआउट करते हैं और हम आपको कुछ ही देर वापस से मिलेंगे जैसे आपको बताएगा आपसे पॉइंट टेबल वगैरह डिस्कस करना है तो हम तो तब तक के लिए आप बने रहिए हेलो नोबर्स एंड मेडिकल स्कूल स्टूडेंट सो हियर कम्स द मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर द बर्नार्ड 4.0 पूल बी फॉर टीम्स सो आपको पता है कि पूल बी के टीम्स हैं सिर्फ 8 टीम्स ही क्वालिफाई करेंगे फॉर द फाइनल डे सो अभी जो अभी चेकआउट करते हैं कि फाइनल डे के अंदर कौन कौन सी टीम अपने लिए क्वालिफाई कर चुकी है और कौन कौन सी टीम एक तरह से अपने को मिस आउट कर चुकी है और अपने ऑपोजिट को मिस आउट करती है क्योंकि उनका जो एक तरह से प्राइस पूल वगैरह मिस आउट हो जाएगा जीतने के चांसेस वगैरह सो अभी देखते हैं कि अपने जो फर्स्ट टीम है जो अपने इस वाले पूल भी अपने को टॉप पोजीशन में सिक्योर कर चुकी है सो दिस टीम इज नॉट अदर देन टीम इटमैन स्क्वाड विद टोटल 44 किल पॉइंट विद टोटल 44 पॉइंट्स का तो अपने सेकंड पोजीशन में आ चुकी टीम ब्लेज विद सेम पॉइंट्स बट इसके अंदर देख सकते हैं ब्लेज की तरफ से कंसिस्टेंसी क्योंकि उन्होंने प्लेस पॉइंट की तरह से एक मैच सेकेंड पोजीशन सिक्योर किया और लगातार सेकेंड एंड थर्ड मैच के अंदर उन्होंने थर्ड पोजीशन सिक्योर किए हुए सो यहाँ पे इसकी वजह से अपने को 32 प्लेसमेंट पॉइंट सिक्योर करने से अपने को सेकेंड पोजीशन भी सिक्योर कर चुके अपने लिए टॉप 8 के अंदर भी क्वालिफाई कर चुके और अपने थर्ड पोजीशन में आ चुकी टीम इम्यून भी टोटल 42 पॉइंट्स एक तरह से अपने को 2 पॉइंट से पीछे रह चुके वरना एक तरह से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों के तीनों टीम्स अपने को इक्वल पॉइंट से क्वालिफाई कर सकते लेकिन इनके खाते में जो 25 किल पॉइंट गए एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट किलिंग टीम्स में कहना चाहता हूँ और जो इम्यून के बाद जरूर से इम्यून के स्क्वाड जरूर से इसके लायक भी है तो अपने फोर्थ पोजीशन पर आ चुकी है टीम नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग टीम नंबर वॉर्डर फिर टोटल 42 टोटल पॉइंट्स इसी का देखते उन्होंने एक चिकन के साथ उन्होंने 21 किल्स भी उन्होंने सिक्योर किए तो दिस टीम इज ऑल्सो वर्थ गेट फॉर क्वालिफाइंग तो यहाँ पे इसी का जैसे टॉप 1 टॉप 2 भी अपने को सेम पॉइंट से क्वालिफाई की टॉप 3 एंड टॉप 4 भी सेम पॉइंट से क्वालिफाई की लेकिन अब आपको कुछ ही देर में एक ऐसा टीम्स के बारे में बताएंगे जो अपने को क्वालिफाई करते करते मिस आउट हो गए तो फिफ्थ पोजीशन में आ चुकी टीम राइजिंग अंडर डॉग विटो 38 पॉइंट्स सिक्स पोजीशन में आ चुकी टीम लोकी विटो 30 पॉइंट्स एंड सेवंथ पोजीशन में आ चुकी टीम रीपर्स विटो 26 पॉइंट्स
वहाँ पर 8% आ चुकी टीम अश्वत्थामा विद टोटल 22 पॉइंट्स का। इस वाले मैच के अंदर आपको कहना चाहता हूँ अश्वत्थामा का 8 किल पॉइंट्स है, पर 8 किल पॉइंट्स की वजह से वो सिक्योर कर चुकी है 8 पोजीशन, क्योंकि जो नेक्स्ट वाली जो टीम है जो 9th पोजीशन सिक्योर की, उनके जो किल पॉइंट्स की जो डिफरेंस है सिर्फ 1 किल पॉइंट का डिफरेंस है, वो 9th पोजीशन में आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो अपने को क्वालिफाई नहीं कर पाए। और वो जो टीम है टीम विटामिन भी टोटल 22 किल पॉइंट्स, तो यहाँ पर टीम विटामिन के कारण जरूर से बुरा लग रहा है, और क्योंकि सिर्फ वैसे एक किल मतलब किल पॉइंट्स का मतलब टोटल पॉइंट्स का डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैसे एक किल पॉइंट्स है और एक प्लेसमेंट पॉइंट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे वो स्क्वाड अपने को क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो यहाँ पे जरूर से आपसे बुरा ना माने और जरूर से बेस्ट ऑफ लक खेलते हो आप फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट्स एंड अपकमिंग मैचेस की तरफ। यहाँ पे 10th पोजिशन आती हुई टीम लास्ट आर में, 11th पर आ चुकी टीम स्ट्रॉयड्स, 12th पर आ चुकी टीम बॉट ऑफ गेम्स है, 13th पोजिशन सिक्योर होती हुई टीम बी है, 14th पर आ चुकी टीम वॉरियर एज है, 15th पर आ चुकी मैडम एक्स, 16th पे ओल्ड मॉन्क्स, 17th पे एलिट वॉर एंड अब 18th पे आज की टीम आईएम की स्क्वाड जो कि आज के हमारे तीनों के तीनों मैचेस में ज्वाइन नहीं कर पाए। सो यही था अपने आज के टॉप 18 और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल्स। और अब आपको पता है कि हमको पता है कि आप जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे तो उसी एक्साइटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और मैं सभी से कहना चाहता हूँ आज का जो तीनों के तीनों मैचेस जिसने भी चेकआउट नहीं किए तो जोर से चेकआउट कर सकते हो। इस आज के जो डेट हो के पहला मैच जो कि मेरा वाला मैप है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो, और साथ ही इरंगल वाला मैप का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो उसको चेकआउट करने के बाद आपको अभी फाइनल रिजल्ट तो आपके सामने, तो एज यूजल यहाँ पे टीम एट टीम ब्लेज टीम इम्यू टीम वॉडॉक टीम राइजिंग अंडरडॉग टीम लोकी टीम रिपर्स टीम अश्वत्थामा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग फॉर द फाइनल राउंड एंड गेट रेडी फॉर द टुमारोज मैच, क्योंकि टुमारोज फाइनल मैच एंड आपको जो प्राइज पूल के जो विनर घोषित होंगे कल के मैच का, और जरूर से सारे टीम्स जो इस वाले क्वालिफाइंग के लिए जो क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए एक तरह से सेमीफाइनल में आके वो अपने को रोक देंगे, तो आपका जो जर्नी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, आपका जो जर्नी एक तरह से और कई सारे टूर्नामेंट्स तक कंप्लीट होंगे, और हम चाहते हैं कि और आप ऐसे कई सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट वगैरह भी करें। सो यहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए सो यहाँ पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहते हुए तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो डे टू यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और सभी से कहना चाहता हूँ जितने बंदे देख रहे हैं आप जोर से वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे चैनल को सब्सक्राइब भी मार देना अगर आप सब्सक्राइब नहीं मारा है तो यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे एंड करते हुए सो दिस इज टीएनसी मामोपी विद टीएनसी टॉक्सिक साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय सी यू। Gotta be a long night.